हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हमने अपने सभी मॉड्यूल, सभी हस्त पुस्तिकाओं जैसे ध्यान आकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संग्रह के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आपने इन मॉड्यूल्स का अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है तो हमारे साथ इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्विज सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कक्षा एक व दो के बच्चों में भाषा एवं गणित की गहरी एवं बुनियादी समझ विकसित करने के लिए जरूरी जानकारियों एवं रोचक गतिविधियों का समावेश किस मॉड्यूल में किया गया है। ऑप्शन है इसके, फर्स्ट शिक्षण संग्रह, ध्यान आकर्षण, आधारशिला या इनमें से कोई नहीं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, आधारशिला। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व निर्माण की आधारशिला किस शिक्षा को माना गया है। ऑप्शंस है माध्यमिक शिक्षा, पूर्व माध्यमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी मॉड्यूल्स के प्रभावी उपयोग हेतु क्या आवश्यक होगा। ऑप्शन ए हस्त पुस्तिकाओं का आधोपांत अध्ययन, बी अपने ज्ञान तथा अनुभव से हस्त पुस्तिकाओं को और अधिक समृद्ध करते रहना, सी विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप सामग्री का चयनित करना या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इसमें हमारे सभी ऑप्शंस ठीक हैं, राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधारशिला मॉड्यूल का चित्रांकन किसने किया। ऑप्शंस हैं श्री रविकांत श्रीवास्तव, श्री मुकेश अग्रवाल, श्री इमरान खान या श्री नरेंद्र वर्मा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, श्री रविकांत श्रीवास्तव ने आधारशिला मॉड्यूल का चित्रांकन किया है। कौन सी अवस्था व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से एक निर्णायक अवस्था होती है। ऑप्शंस बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या पौड़ावस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शैशवावस्था। तीनों हस्त पुस्तिकाओं का विकास किस समूह द्वारा किया गया है। ऑप्शन है आपके, केंद्र गुणवत्ता समूह द्वारा, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा, एनजीओ द्वारा या एआरपी के समूह द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्य गुणवत्ता समूह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार बीज में विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होने की संभावनाएं छिपी रहती हैं, उसी प्रकार बच्चों में अनेक अंतर्निहित क्षमताएं होती हैं। मॉड्यूल में यह कथन किसका है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर सतीश चंद्र त्रिवेदी, रेणुका कुमार, मनीषा चित्रघटिया या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेणुका कुमार, जो कि हमारी बेसिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक कक्षाओं में कक्षा शिक्षण को रुचिकर, आनंददायी, जीवंत एवं प्रभावी बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। मॉडल में यह कथन किसका है। ऑप्शंस हैं डॉक्टर सतीश चंद्र त्रिवेदी, रेणुका कुमार, मनीषा त्रिघटिया क्या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, मनीषा त्रिघटिया। अकादमिक संदर्भ समूह का गठन कितने स्तर पर किया गया है। ऑप्शंस दो स्तर पर, तीन स्तर पर, चार स्तर पर या पांच स्तर पर। सो इसका राइट आंसर है हमारा दो स्तर पर, SRG और ARP, जैसा कि हम जानते हैं। वही क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अकादमिक संदर्भ समूह के कौन कौन से स्तर हैं? ऑप्शन ए राज्य स्तर पर राज्य संदर्भ समूह SRG, ऑप्शन बी जिला स्तर पर अकादमिक रिसोर्स पर्सन ARP, और सी ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक रिसोर्स पर्सन BRP, या डी ए और बी दोनों। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। मीन्स राज्य स्तर पे तो हैं हमारे SRG और जिला स्तर पे कौन है हमारे ARP। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में शिक्षा की मजबूत आधारशिला विकसित करने के लिए किन विषयों की दक्षता विकसित करना होगा? ऑप्शंस हैं आपके गणित, भाषा, भाषा एवं गणित, या इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाषा एवं गणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण लक्ष्य आकलन के संकेतक एवं आकलन हेतु संभावित तरीके एवं प्रश्न किस मॉड्यूल में दिए गए हैं? ऑप्शंस हैं शिक्षण संग्रह, प्रेरणा तालिका, आधारशिला, या ध्यानाकर्षण। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी आधारशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रित लर्निंग आउटकम भाषा विकास के कौन कौन से बुनियादी पहलुओं पर आधारित है? ऑप्शन सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण, कल्पना और सृजनशीलता, या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भाषा संरचना और व्याकरण। मानसिक सक्रियता किसका संकेत है? ऑप्शंस सीखने का, सिखाने का, शिक्षण का, या उपयुक्त सभी का। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सीखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिविधि के मूल सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए शुरुआत रोचकता और चुनौतीपूर्ण कार्य से हो, ऑप्शन बी कोई भी गतिविधि चार चरणों जैसे ERAC में पूरी की जाए, गतिविधि सीखने के लक्ष्य एवं लर्निंग आउटकम से जुड़ी हो, या उपयुक्त सभी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी ठीक है, करेक्ट है। इसमें ABC तीनों ही ऑप्शंस राइट है हमारे। सुश्री वंदना गुप्ता ने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल के निर्माण में किस रूप में अपना योगदान दिया है? ऑप्शन ए चित्रांकन, संपादन, तकनीकी सहयोग, या समन्वयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चित्रांकन। निम्न में से किसका उपयोग कर शिक्षक अपने दैनिक कक्षा शिक्षण को रोचक एवं बाल केंद्रित बना सकते हैं? ऑप्शन से आपके ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह, या उपयुक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ये तीनों ही मॉड्यूल्स कक्षा को रोचक बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों के आगामी जीवन की आधारशिला को कौन सुनिश्चित करता है? ऑप्शंस हैं विद्यालय में शिक्षकों का स्नेहपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार, विद्यालय की व्यवस्था, ICT का प्रयोग, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए विद्यालय में शिक्षकों का स्नेहपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार, जो कि कक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संग्रह, आधारशिला, ध्यान आकर्षण आदि हस्त पुस्तिकाओं के विकास में किसने अपना योगदान दिया है? ऑप्शन SCERT, ऑप्शन बी गुणवत्ता प्रकोष्ठ समग्र शिक्षा एवं संबंध, राज्य गुणवत्ता समूह, यूनिसेफ, इग्नस पहल, या उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। इन सभी ने अपना अपना योगदान दिया है इन हस्तपुस्तिकाओं के निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट, वेबलिंक, शैक्षिक साहित्य की सूची, हेल्पलाइन, संपर्क सूत्र इत्यादि का विवरण
किस हस्तपुस्तिका में दिया गया है? ऑप्शंस है ध्यानाकर्षण, आधारशिला, शिक्षण संग्रह या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, शिक्षण संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक विकास के कौन से प्रभावी कड़ी हैं? ऑप्शन ए शिक्षण, ऑप्शन बी शिक्षण संग्रह, ऑप्शन सी शिक्षण की सीढ़ी या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के क्रियाकलापों को जोड़ने हेतु आप किसका प्रावधान करेंगे? ऑप्शन ए पाठ्यपुस्तकों का, बी अंत पाठों का, सी पुस्तकालय का या प्रयोगशाला का। राइट आंसर इज ऑप्शन बी अंत पाठों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता ही सफलता को जन्म देती है, यह उक्ति किस मॉड्यूल की है? ऑप्शंस प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा तालिका, आधारशिला या शिक्षण संग्रह। राइट आंसर इज ऑप्शन डी शिक्षण संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक शिक्षकों के लिए स्वयं मार्गदर्शिका होती है? ऑप्शन ए लॉग बुक, बी अध्यापक उपस्थिति पंजिका, सी शिक्षक डायरी या डी शिक्षण संग्रह। राइट आंसर इज ऑप्शन सी शिक्षक डायरी। एक प्रक्रिया आधारित जांच बिंदु है जिनमें शिक्षक अपनी शिक्षण योजना की प्रक्रिया में गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से आकलित कर सकते हैं। ऑप्शन ए सीखने का प्रतिफल, बी सीखने संबंधी परिणाम, सी शिक्षण अधिगम परिणाम या उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिणाम आधारित लर्निंग आउटकम प्राप्त करने के लिए शिक्षक अपनी सोच, ज्ञान व अनुभव के आधार पर किन चीज़ों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं? ऑप्शन ए शिक्षण विधियों का, बी नवाचारों का, सी ICT का या डी उपयुक्त सभी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कक्षाओं में सभी विषयों के शिक्षक निम्न में से क्या अवश्य प्रदर्शित करें जिन्हें लक्ष्य मानकर दैनिक कक्षा शिक्षण करेंगे? ऑप्शन ए शिक्षण विधियों का चार्ट, ऑप्शन बी शिक्षण तकनीकें, ऑप्शन सी अधिगम संबंधी परिणामों की तालिकाएं या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तालिका के आधार पर आप अपने कक्षा की एक समेकित संख्यात्मक तालिका बना सकते हैं जो यह दिखाएगी कि आपकी कक्षा में लर्निंग आउटकम वार बच्चों की कितनी संख्या है? ऑप्शन ए प्रेरणा तालिका, बी ध्यानाकर्षण तकनीक तालिका, सी अधिकम संबंधी परिणामों की तालिकाएं या डी विद्यार्थी वार लर्निंग आउटकम तालिका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्यार्थी वार लर्निंग आउटकम तालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में लिखित शब्द BALA क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके आलोक में पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग समझ के साथ पठन की विधि को सुगम बनाने के लिए भी किया जाए? ऑप्शन ए पढ़े भारत बड़े भारत, बी खेले भारत खिले भारत, सी खूब खेलो खूब खाओ खूब पढ़ो या उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पढ़े भारत बड़े भारत। जनपद स्तर पर शिक्षण संस्थाओं का चयन कर
शिक्षक संवर्धन प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों तकनीकी सहयोग किससे प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन है IIT कानपुर, ऑप्शन बी MNIT प्रयागराज, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक विद्यालय क्रियाकलापों की सफलता के लिए आवश्यक तत्व या घटक है? ऑप्शन हैं बैठक व्यवस्था, पास पड़ोस, टाट पट्टी, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बैठक व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शिक्षक अपने विचारों में नया परिवर्तन लाते हुए विद्यालय एवं कक्षा शिक्षण प्रक्रिया में कुछ बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं शैक्षिक भ्रमण, शैक्षिक नवाचार, शून्य निवेश, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी शैक्षिक नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हस्तपुस्तिका में बच्चों के चिन्हांकन, वर्गीकरण एवं विभिन्न शिक्षण तकनीकों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, ध्यानाकर्षण, या शिक्षण संग्रह। राइट आंसर इज ऑप्शन सी ध्यान आकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAS का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए नेशनल एयरक्राफ्ट सिस्टम, ऑप्शन बी नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ऑप्शन सी नेशनल अचीवमेंट सोसाइटी, या ऑप्शन डी नेशनल आर्मी स्कूल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेशनल अचीवमेंट सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक परीक्षण के उपरांत कक्षा 3, 4, 5 के जिन विद्यार्थियों के प्राप्तांक 16 से 20 अंक के मध्य होंगे उन्हें आप किस समूह में रखेंगे? ऑप्शन ए समूह ए, समूह बी, समूह सी, या समूह डी। राइट आंसर इज ऑप्शन बी समूह बी में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरणा लक्ष्य में गणित व भाषा के कुल कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? ऑप्शंस 10, 20, 30, या अनगिनत। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, इनमें से 5 लक्ष्य गणित के लिए हैं और 5 भाषा के लिए हैं। प्रेरणा सूची में किस कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अपेक्षित दक्षताएं दी गई हैं? ऑप्शंस कक्षा 1 से 2 तक, कक्षा 3 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक, या कक्षा 6 से 8 तक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कक्षा 1 से 5 तक। प्रेरणा तालिका में किन किन विषयों हेतु तालिकाएं दी गई हैं? ऑप्शन भाषा, गणित, भाषा व गणित, भाषा गणित व पर्यावरण अध्ययन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी भाषा व गणित। सो फ्रेंड्स, हमारी क्विज प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर सही से अटेम्प्ट किया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।